हरियाणा का बात करो के नाम से भी जाना जाता है, शिव मंदिर शिव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विस्तार पूर्वक जानेंगे इसके बारे में। बहुत बार आपने हरियाणा जीके की बुकों के अंदर पढ़ा होगा सोना कुंड यानी कि गर्म पानी का चश्मा। आज उसी चश्मे पे पहुँचा हूँ मैं और आपको दिखाऊंगा यानी कि जो सोना कुंड है गर्म पानी का जो चश्मा है इसमें अक्सर गर्म पानी देखने को मिलता है। जो गर्म पानी देखने का जो मुख्य रीज़न है यानी कि ऐसा माना जाता है यहाँ स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। तो जो सबसे मेनली रीज़न है यहाँ गर्म पानी रहने का वो है इस पानी के अंदर सल्फर व गंधक की जो मिलावट होती है उस कारण इसका पानी गर्म रहता है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको, जिस कुएं से गर्म पानी उबल कर निकलता है वो कुआं भी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ नीचे जो कुआं है वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा सा पानी बाहर निकल के आ रहा है। अब चलिए देखते हैं जो गर्म पानी का कुंड है यानी कि जो कुआं है उस कुएं की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वास्तव में बिल्कुल उबलता हुआ पानी। तो देखिए ये वो कुआं है दोस्तों जहाँ पानी बिल्कुल गर्म निकलता है। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे से एक झरने में समान पानी नीचे आ रहा है और बहुत गर्म पानी है ये। उस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए वास्तव में यह कुआं है वो जहाँ बिल्कुल गर्म पानी उबलता है। बाफ के कारण जो फोटो है ये भी आपको साफ नहीं दिखाई देगी। सोहना क्षेत्र में होने के कारण इस कुंड को सोहना कुंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ शिव मंदिर भी है जिस कारण इसे शिव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये मेन्यू है दोस्तों, यहाँ अगर आपको स्नान करना है तो 5 रुपये लगते हैं अगर बुकिंग स्नान करना है यानी कि आपको स्पेशल कोई बाथरूम अलग से स्नान करने के लिए चाहिए तो 50 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको। ये पूरा का पूरा जो आप मंदिर देख रहे हैं ये शिव मंदिर है जिस कारण इसे शिव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये पीछे का दृश्य है सोहना कुंड का। तो हमने अब स्पेशल नहाने की जो टिकट होती है वो कटवा ली है, अब स्नान की ओर बढ़ते हैं।